जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है काल भैरव अष्टमी या जयंती वाले दिन आप किस प्रकार से काल भैरव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दसों दिशाओं से सुरक्षा के स्वामी काल भैरव को बताया गया है। जो भैरव बाबा होते हैं वो शिव जी का ही अंश होते हैं तथा बटुक भैरव की पूजा आराधना गृहस्थ के लोग जो है कर सकते हैं। काल भैरव की प्रसन्नता के बाद जीवन में जो है बहुत से सुधार आते हैं। जैसे मैंने कहा कि दसों दिशाओं के स्वामी बताए गए हैं, उनकी अगर आप आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं काल भैरव का, तो आपको जो है जीवन में तंत्र मंत्र और यंत्र, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की विद्या या गूढ़ विद्या का भी कोई असर जो है आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। इतने ज़्यादा रक्षक बताए गए हैं अपने जो भक्त होते हैं उनके। काल भैरव जो है अपने भक्तों पर असीम कृपा दृष्टि बरसाते हैं तथा इनकी पूजा आराधना में जो है आपको ज़्यादा खास कुछ करना नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात ये होती है कि भाव से जो भी काल भैरव की पूजा आराधना करता है उनके जीवन में सदैव जो है शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। शिव जी की आराधना जो व्यक्ति बहुत मन से करते हैं उन पर अपने आप ही काल भैरव की कृपा दृष्टि जो है बनने लगती है। स्वप्न दर्शन में सबसे पहले जो है काल भैरव अपने भक्तों को रास्ता दिखाकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। भैरव अष्टमी पर या रविवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन आप किस प्रकार से इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है काल भैरव के मंदिर जाकर गुलाब की 33 अगरबत्तियाँ 33 अगरबत्तीस जलाकर अगर कोई भी जीवन की मनोकामना मानते हैं, जैसे अगर आपके घर पर भूत प्रेत बाधा या तंत्र मंत्र यंत्र किसी प्रकार की कोई किया कराया हुआ है, तो अगर उनकी शरण में जाते हैं और लगातार ये कार्य करते हैं आप, जैसे आपने नियम बना लिया कि आप हर रविवार को जाएंगे या शुक्रवार वाले दिन जाएंगे भैरव मंदिर में, और 33 ही होनी चाहिए अगरबत्ती और गुलाब की ही होनी चाहिए। इसके बाद वहाँ पर इन अगरबत्तियों को जलाकर आप चाहें तो सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं और सुरक्षा की जो मनोकामना है वो मांगे। ये उपाय अगर आप लगातार करते हैं तो आपके जीवन में अगर नौकरी को व्यापार को लेकर भी कोई परेशानी चल रही है तो वो परेशानी भी दूर होगी। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर है आपके शरीर पर है तो उससे भी आपको निश्चिंती लाभ जो है प्राप्त होगा। अब क्योंकि भैरव बाबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूजा आराधना नहीं मानते हैं, वो केवल भाव देखते हैं भक्तों के, तो आप अपने क्षेत्र का कोई ऐसा मंदिर चुनिए जहाँ पर कोई ज़्यादा ना जानता हो, ये भैरव मंदिर होना चाहिए, और वहाँ पर जाके जो है आप इनकी पूजा आराधना शुरू करें। पूजा आराधना में आप जो है मंदिर में अपने तरफ से जो है सिंदूर तेल नारियल और जलेबी का भोग जो है लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर मनोकामना मांगने के बाद दिया जलाने के बाद आप जो है अगर आसपास कोई 5 से 7 साल के कोई लड़के दिखते हैं तो उन्हें चने और चिरौंजी का जो प्रसाद है वो दे सकते हैं। इससे जो है उनकी कृपा दृष्टि बनती है आपके जीवन पर और आपके जीवन के सभी कष्ट जो हैं भैरव बाबा दूर करते हैं। जैसे मैंने कहा भैरव बाबा जो हैं वो शिव जी का ही अंश हैं, तो शिव आराधना के रूप में आप पहले ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इनका जो वाहन है वो आप सभी जानते हैं श्वान यानी कि कुत्ता है, तो आप अगर किसी भी प्रकार की सुरक्षा चाहते हैं अपने जीवन में तो काले कुत्ते की सेवा जो है उन्हें शुरू कर दीजिए और ताज़ी रोटी जो है उन्हें खिलाइए या दूध का भोग भी आप जो है कुत्तों को दे सकते हैं। इससे भी जो है भैरव अब बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाते हैं। इसके अलावा भैरव किन के देवता हैं वो शमशान वासी जितने भी होते हैं तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़े व्यक्ति उन सभी के स्वामी माने गए हैं, योगनियों के देवता माने गए हैं ये। किसी भी प्रकार की योगनी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो भैरव की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। शमशान से रिलेटेड या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तब भी भैरव की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि हम किसी भी प्रकार की मंदिर सिद्धि या सिद्धि करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी होती है। भैरव जी के लिए रविवार और बुधवार का दिन जो उनकी उपासना के लिए है या मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। बटुक भैरव के मूल मंत्र का अगर जाप करते हैं तो भैरव बहुत ही आसानी से प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो आशा है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।